नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। महंगाई, बेरोजगारी एवं अग्निपथ सेना में बहाली के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पटना सिटी के गायघाट गांधी सेतु के समीप एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजद नेता श्याम रजक, प्रदीप मेहता समेत अन्य राजद के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं राजद नेता श्याम रजक का कहना था कि हाल के दिनों में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, वहीं बेरोजगारी भी दर प्रति दर बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोग काफी परेशान हैं, जिसके कारण राजद पार्टी द्वारा आज महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही अग्निपथ सेना बहाली के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह का आयोजन किया गया है और आगामी 7 अगस्त को राजद पार्टी द्वारा बड़े स्तर से महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ सेना बहाली के खिलाफ कार्यक्रम किए जाएंगे। आज पुल के नीचे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सलमान अख्तर के संचालन में, प्रदीप मेहता के अध्यक्षता में यह धरना रखा गया, जिसमें सारे लोग शामिल हुए। धरना आज जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अग्निपथ ये सब जो हो रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग धरना कर रहे हैं और इस धरना के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जनता अब जाग चुकी है। अब ज़्यादा दिन आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं जनता को, और जनता जब जाग गई है तो आपके ज़्यादा दिन अब चलने वाले नहीं हैं। दिन अब बहुत करीब आ गया है, इसलिए चेत हो जाएं और नौजवानों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। अग्निपथ का स्कीम वापस लें, महंगाई पर रोक लगाएं, बेरोजगारी पर रोक लगाएं। डॉक्टर इकबाल अहमद, प्रदीप मेहता जी, विनोद जी और सलमान जी और तमाम साथियों के नेतृत्व में यह धरना पर लोग बैठे हैं। ये हमारा एक प्रतीकात्मक है। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिस तरह से बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है, अग्निवीर जैसी योजना ला कर करके देश के नौजवानों के गाल पर थप्पड़ मारने का काम किया है, ऐसे सवालों पर लेकर के आज धरना का कार्यक्रम हुआ है। हम इस धरना को और आगे ले जाने का काम करेंगे और 7 अगस्त को हमारा बड़ा कार्यक्रम है। हर एक अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर हमारा कार्यक्रम होगा। इस महंगाई के सवाल पर, आने वाले जो बाढ़ और सुखाड़ के सवाल पर, इस सवाल पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस सवाल पर हम लोग एक कार्यक्रम बनाने का काम कर रहे हैं और बहुत ही मजबूत तरह से सरकार को शिकस्त देने का काम करेंगे।